रोहतक के गांव पहरावर में नगर निगम की 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण सभा को 33 साल की लीज पर देने के सरकार के फैसले पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हरियाणा डेयरी सहकारी प्रसंघ के पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। फैसले की खुशी में कई ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारी जीएल शर्मा के सेक्टर 15 पार्ट 2 स्थित आवास पर पहुंचे और एक अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने कहा कि इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश की जनता से किए वादों को मुख्यमंत्री पूरी तत्परता के साथ पूरा कर रहे हैं। पैरावर किस जमीन का मसला इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में करनाल में हुए ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण सभा को लीज पर देने की घोषणा की थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार की कथनी करने को लेकर भ्रम फैलाने वाले कुछ लोगों, खासकर पहरावर की जमीन के मसले पर ब्राह्मण समाज को गुमराह करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। इस मौके पर आदर्श ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आरपी कौशिक, नारनौल के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, महेश वशिष्ठ, सोमदत्त वशिष्ठ, प्रतीक शर्मा, अनमोल भारद्वाज, जेके सिलोखरा, आदर्श ब्राह्मण सभा के संगठन महामंत्री ब्रिजमोहन कौशिक, श्री परशुराम ब्राह्मण सभा अशोक विहार उपाध्यक्ष अजीत भारद्वाज, मदन भैसरू कला और विजय शर्मा उपस्थित रहे। इस जमीन को लेकर के प्रदेश के ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे थे और ये ज़मीन जब कभी पहले मिली थी उसमें फिल्योर उस वक्त की सरकार ने अलॉट कर दी, लेकिन हम उसमें पैसा नहीं जमा करा पाए थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ या ब्राह्मण समाज के साथ इतना बढ़िया अब काम किया है कि जो 13 साल उस लीज के चले गए थे वो सब समाप्त करके 33 साल के लिए फ्रेश लीज दे दी है। अब हमारी संस्थाएँ उस पर अपने बाकायदा फीस जमा करा के, नक्शा पास करा के भवन बनाने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है। और वहाँ पर जो लोग राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति का हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्दाफाश कर दिया। हम पुनः मुख्यमंत्री जी का ये ज़मीन देने के लिए हरियाणा का ब्राह्मण समाज बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है।